दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, मैंने बनाया है कि आयुष्मान भारत स्कीम में जिन भी राशन कार्ड में 6 से कम सदस्य जुड़े हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एक आर्टिकल दिया गया है, वहां पर बताया गया है कि जिन भी राशन कार्ड धारकों में 6 से कम सदस्य हैं उनको भी आयुष्मान योजना में जोड़ा जाएगा, लेकिन वहां पर एक कंडीशन दी गई है। तो अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप भी फ्री में, मुफ्त में जो 5 लाख का गवर्नमेंट इलाज कराने की सुविधा देती है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, उसका कार्ड बनवा सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी डिटेल कन्फर्म हो जाएगी कि किन लोगों को आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों, जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनके अलावा जिनके पास भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हैं और उसमें 6 या 6 से अधिक सदस्य जुड़े हैं तो उनको आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा गया है। तो बहुत से लोगों के मन में डाउट थे कि ऐसा क्या सरकार चाह रही है, एक तरफ बोल रही जनसंख्या नियंत्रण करो और एक तरफ बोल रही जिनके ज़्यादा सदस्य हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। तो सरकार ने शायद कुछ सोचा होगा, तो 6 से कम जिनके भी सदस्य हैं 5, 4, 3, 2, 1 उनको भी आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जा रहा है। ये अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल दिया है, मैं उसे पूरा पहले आपको दिखा देता हूं फिर आप बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल जानने के लिए मैं ले चलूंगा आपको बड़े स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, 6 से कम सदस्य वाले परिवार भी होंगे आयुष्मान। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है। ये मेरठ की खबर, वर्ष 2019 तक जिन राशन कार्डों में 6 या इससे अधिक सदस्य रहे हों, अब इन राशन कार्डों से कुछ सदस्यों के नाम हटा भी दिए गए हों, ऐसे राशन कार्डों में भले ही सदस्यों की संख्या 6 से कम यानी 2-3 रह गई हो तो भी इन परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। इतना भी नहीं, जिन परिवारों के अकेले बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं उनके पास राशन कार्ड है तो वह भी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। ये पूरा डिटेल दोस्तों अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है, और भी आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं। मैं इसे एलिबरेट कर देता हूँ, आपको प्रॉपर समझा देता हूँ जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर बोला गया है 2019 से पहले, सपोज दैट 2019 में आपका राशन कार्ड बना होगा, उससे पहले अगर आपके राशन कार्ड में 6 सदस्य जुड़े थे, 6 या 6 से अधिक, लेकिन 2019 के बाद आपके राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या कम हो गई, 5 बची, 4 बची, 3 बची, 2 बची, तो अगर ऐसी कंडीशन रही होगी आपके राशन कार्ड में तब भी आपको आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। वहीं बात करें, अगर आपके राशन कार्ड में केवल एक व्यक्ति जुड़ा है, उसकी उम्र 60 साल से अधिक है, तो उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का मतलब है उनका भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा और वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में जाकर प्रति साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ये भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना। आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर अलग से ही काउंटर मिलेगा आयुष्मान भारत का, वहाँ पर पेशेंट जाकर अपना आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं, उनका मुफ्त में इलाज शुरू हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी आपको पैसे वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक अपडेट था मेरे पास, मैंने सोचा आप लोगों को तो बता दूं, और इस बात में कितनी सत्यता है दोस्तों, क्योंकि हालांकि अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आर्टिकल दिया हुआ है तो मुझे लगता है सही ही होगा, बट आप भी अपनी तरफ से मुझे जरूर बताएं, क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है जिनके राशन कार्ड में 6 से कम सदस्य हैं उनका भी राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड बन रहा है? अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, नहीं है तब भी बता सकते हैं, अपना ओपिनियन हमें जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपके पास ये वीडियो हमारा पहुंचा है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपको लगातार मैं ऐसे वीडियो देता रहूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।